हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो फिल्टर को लेकर के है। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, और ये कमेंट थोड़ी देर पहले ही आया है, तो इन्होंने क्या कमेंट किया है वो बता देता हूं। देखिए, इन्होंने लिखा है कि इनके पास कोई डेटा है, ठीक है, और वो डेटा ये फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने क्वेरी भी लगा दी है, और क्वेरी लगाने के बाद उस डेटा को ये फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है, ठीक है, और इसमें भी हमने क्वेरी बना दी है। आप देख सकते हैं, ये यहां से हमने क्वेरी को रन करा दिया। अब ये इस तरह से हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। अब ये इसे फिल्टर करना चाहते हैं। फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। ये असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब यहां पर जाकर के टेक्स्ट फिल्टर पर जाइए, और इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ है ना, यहां पे देख सकते हैं, ये जो इक्वल्स टू लिखा हुआ है, यहां पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे, आप किसका डेटा देखना चाहते हैं, मोहन का, राजू का, राम का, संजू का, श्याम का, किसका देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं श्याम का देखना चाहता हूं, तो यहां श्याम लिखा हमने, और यहां से ओके प्रेस कर दिया। तो अभी देखिए हमारे पास सिर्फ श्याम का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां पे आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें मोहन का डेटा देखना हो, तो यहां से ओके प्रेस कर दिया, टेक्स्ट फिल्टर पे गए, और यहां पर इक्वल्स टू पे गए, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए कि मोहन का डेटा देखना है, तो एम ओ एच ए एन मोहन टाइप किया, एंटर किया, तो यहां पर सिर्फ हमें मोहन का डेटा ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ओके प्रेस कर दिया। अब क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट, अगर क्लियर कर देते हैं आप, तो पूरा डेटा दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये डेटा हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए फिर यहां पर गए, फिर ओके प्रेस किया, यहां से टेक्स्ट फिल्टर पे गए। अब यहां पर देखिए इक्वल्स लिया था हमने, डज नॉट इक्वल्स। अगर मैं डज नॉट इक्वल्स लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं मोहन टाइप कर देता हूं, एम ओ एच ए एन, और यहां पे ओके प्रेस करता हूं, तो मोहन के अलावा सारी चीजें हमें दिखेंगी, ठीक है। ये भी यहां पर फिर वापस जाता हूं, ओके प्रेस करता हूं, और फिर यहां पर टेक्स्ट फिल्टर पे जाता हूं, और यहां पे बिगिंस विद, अब यहां बिगिंस विद दिया हुआ है, तो जो भी नाम आर से स्टार्ट होते हैं वो नाम हमें चाहिए, तो आर यहां पर कर दिया, ओके प्रेस किया, तो आर वाले सारे नाम आपको डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इसको यहां से कंट्रोल जेड प्रेस करके और वापस पुरानी स्थिति में आ जाते हैं हम, यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे फिर वापस क्लिक करता हूं, फिर ओके प्रेस करता हूं, चलते हैं। ये तीनों हम देख चुके हैं। अब डज नॉट बिगिन विथ, अब जो अक्षर एस से स्टार्ट होता हो नाम, ठीक है, डज नॉट बिगिन विथ, डज नॉट बिगिन विथ का मतलब है कि जो एस से स्टार्ट नहीं होता हो वो सारे नाम दिखा दीजिए हमें, ठीक है। तो जो एस से स्टार्ट नहीं होगा वो सारे नाम आपके सामने हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर मैं वापस आता हूं और कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूं एक बार अंडू करने के लिए, और यहां से वापस से जाता हूं कहां पे, फिल्टर पे, तो फिल्टर तो लगा ही हुआ है, यहां से क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करते हैं। अब ये सारे ऑप्शन हम देख चुके हैं यहां तक। अब कंटेंस, जो लिया हुआ हो, जिसके अंदर यू हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, यू हो, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहां पर एक ही दो ऐसे नाम है, संजू और राजू, ये दो ऐसे नाम है जिनके अंदर यू आया हुआ है, तो यहाँ पे संजू और राजू आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब फिर यहां पर वापस से इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, और यहां से कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। ये कंट्रोल जेड प्रेस किया हमने, और फिर वापिस से आ जाते हैं कहां पे, इसी फिल्टर के बटन पर क्लिक करते हैं, वाइप, फिर यहां पर टेक्स्ट फिल्टर पर जाकर के, और इस बार डज नॉट कंटेन विथ, डज नॉट कंटेन विथ का मतलब है कि जो नहीं लिए हुए है, ठीक है, डज नॉट कंटेन विथ का मतलब जो नहीं लिए हुए हैं, जिसमें ओ नहीं आया हुआ है वो सारे नाम हमें दिखा दीजिए। तो सिर्फ एक ही में ओ आया हुआ है, मोहन में, बाकी सारे नाम आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहां पर इन सारे नामों में कहीं भी ओ नहीं आया हुआ है, तो ये फिल्टर की क्राइटेरिया है। उम्मीद करता हूं कि आपके बात समझ में आ रही होगी। फिर यहां पर वापिस से कंट्रोल जेड कर देता हूं, अब हमें फिर वैसे ही ये नंबर दिख रहे हैं, ये सारे नाम, यहां पर फिर जाता हूं, फिर ओके प्रेस करता हूं, फिर टेक्स्ट फिल्टर पर जाता हूं, और अब एंड्स विथ करते हैं। एंड्स विथ यानी जो अंत अंत में जिसके एन आया हो, तो सिर्फ एक ही ऐसी ऐसा नाम है जिसके अंत में एन आया है, मोहन, ठीक है। एंटर प्रेस कर देता हूं, तो यहां पर आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, मोहन, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूं, और फिर आ जाते हैं कहां, फिल्टर पर, और फिल्टर पर आने के बाद ओके प्रेस कर देता हूं, और फिर यहां पर टेक्स्ट फिल्टर, और फिर यहां पर डज नॉट एंड विथ। अब इस बार जो एंड ना हुआ हो, किस से, एन से, जो N से एंड ना हुआ हो, या फिर यहां पर कर देता हूं जो M से एंड ना हुआ हो, वो नाम हमें दिखा दीजिए। तो यहां पे श्याम M से एंड हो रहा है, और राम M से एंड हो रहा है, बाकी सारे नाम M से एंड नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे नाम आपको
डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।